बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यास्मीन। वेलकम करती हूँ आप सबको मेरे चैनल कुक विद लव एवरी डे में। आज मैं बनाने वाली हूँ अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रीन चिली का पेस्ट बना लेते हैं। सब्ज मिर्चें मैंने ली हैं, 3 कप मैंने ली हैं। आपकी चॉइस है, जो भी मिर्चें आप पसंद करते हैं आप ले सकते हैं। चॉपर लिए मैंने, तो सारी मिर्चें मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको ग्राइंड में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे इसमें ऑयल डालना है। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये देखिए, इसको मैं रिमूव कर दूँगी। मुझे इसे बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी, जैसे हम ये देखिए आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको जैसे हम बारीक मिर्चें काटते हैं हांडी में डालने के लिए, मैंने इसको इस कंडीशन में रखा है। मैंने ऑलरेडी ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया, उसको मैंने एयर टाइट जार में डाल दिया। अब उसके बाद मैं बनाऊँगी लहसुन का पेस्ट। जो भी आप पेस्ट लहसुन या अदरक का बनाती हैं, तो हमेशा अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उसका कलर चेंज हो गया है या वो ख़राब हो गया है। तो उसका मेन जो प्रॉब्लम है वो ये होता है कि आप लोग उसमें पानी ऐड कर देती हैं, या जो चीज़ें हैं वो अगर वेट होंगी तो वो ख़राब हो जाएगा। जैसे मैंने ये लहसुन लिया है, तो मैंने इसको छील के धो के अच्छी तरह से खुश किया है ताकि उसमें कोई भी पानी ना रहे। सेम मैंने अदरक को भी इसी तरह धो के मैंने अच्छी तरह से खुश किया है। उसके बाद मैंने उसको चॉप कर लिया है। रफली चॉप आप कर लें ताकि इजी हो आपको ब्लेंड करने में। ग्रीन चिली भी मैंने धो के अच्छी तरह से उसको मैंने ड्राई किया। और जिस जार में आपने डालना हो, एयर टाइट जार होना चाहिए, उसको आपने धो के अच्छी तरह से उसे भी खुश करना है। और जब आप यूज़ करें तो आप जो स्पून यूज़ करते हैं वो बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वेट होगी तो आपका जो पेस्ट है वो ऑफकोर्स ख़राब हो जाएगा। लहसुन मैंने लिया है, ऑलमोस्ट 2 कप मैंने लिया है। ये इसमें 1/4 टीस्पून मैं डालूँगी हल्दी का, 1/2 टीस्पून इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिंक सॉल्ट, 3 से 4 टेबलस्पून में इसमें ऑयल इस्तेमाल करूंगी। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। देखिए पेस्ट तैयार हो गया। ओके, ये देखिए मैंने इसमें 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया। अगर ब्लेंड करते समय आपको लगे कि वो बहुत हार्ड है ब्लेंड होने के लिए, तो आप उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने जार लिया, उसको मैंने अच्छे से धो के खुश कर लिया। अब मैं ये इसके अंदर फिल कर दूँगी। जिसमें मैंने गार्लिक का पेस्ट बनाया था, उसी में मैंने ये जिंजर लिए, इसको भी मैंने मोटा मोटा जो है वो काट लिया। ऑलमोस्ट 2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, ये मैं इसमें डालूँगी। इसके साथ मुझे इसमें नमक डालना, मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल रही हूँ। हल्दी लिए मैंने 1/4 टीस्पून। ऑयल मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 टेबलस्पून, आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इसको भी मैं ब्लेंड कर लूंगी। मैंने इसको 1 से 2 मिनट ब्लेंड किए। ये देखें, अगर आपको लगे कि ब्लेंडर जो है बहुत हार्ड है आपके लिए, वो ब्लेंड नहीं हो रही, तो आप इसमें ऑयल थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको और चलाऊंगी क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है।
ये देखिए मैंने इसे भी ब्लेंड कर लिया। आपने उतनी देरी से ब्लेंड करना है जब तक वो अच्छी तरह से इसका पेस्ट ना बन जाए। ये देखें अब ऑयल जो है वो मैं चॉपर में बना रही हूँ तो इसमें ऑयल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर आप ब्लेंडर में बनाएंगे तो ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा और ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेगा होगा, तो आप ऑयल जो है वो अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी मैं एयर टाइट जार में डालूंगी। मैंने इन सबको एयर टाइट जार में निकाल लिए। आप इनको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, 6 मंथ यूज़ कर सकते हैं, 7 to 8 मंथ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है कि आप इसमें जो स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं निकालने के लिए वो जो है वो वेट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारी पेस्ट है वो ख़राब हो जाएगी। मैंने हल्दी इसमें इसलिए डाली है, एक तो इसका कलर बहुत प्यारा, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, बहुत प्यारा लगता है, और दूसरा जो सबसे मेन जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जो पेस्ट है वो ख़राब नहीं होती। लॉन्ग टाइम के लिए भी अगर आप रखते हैं तो पेस्ट ख़राब नहीं होती। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टाइम फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।